अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं हूँ अजीहा जफर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्मी है और अपना ख्याल रखने के लिए जो टाइम है ना वो बड़ा मुश्किल से निकल रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेजी हुए हैं। बट आज की वीडियो में जो टिप्स है, ये टिप्स मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू किए हैं। ट्रस्ट मी, मैंने अपने कॉन्फिडेंस में और अपनी ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा है। ठीक है, बहुत इजी स्टेप्स हैं, बहुत इजी पॉइंट्स हैं। कुछ भी आपको जो है ना एक्सपेंसिव नहीं करना, कुछ भी आपको बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं करना। सब चीज़ें घर पे मौजूद हैं, जो भी हम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करेंगे या जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और बाकी कुछ इस तरह की टिप्स हैं जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से पॉइंट हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उनको इग्नोर ना करने से हमारी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिस सुबह उठकर सबसे पहले आपने करनी है मॉर्निंग वॉक या फिर एक्सरसाइज। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर आप खूबसूरत सी किसी जगह पर वॉक करने के लिए सुबह सुबह चले जाएं तो आपका आने वाला दिन जो है ना वो नहायत ही खुशगवार गुजरने वाला है। बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे आप, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे। और अगर आप नहीं जा सकते वॉक पर, घर से बाहर नहीं जा सकते, तो कोई मसला नहीं, आप सुबह सुबह उठकर 10 मिनट अपने छत पर गुजार सकते हैं। आप जो है वो परिंदों की आवाज़ सुनकर अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। खैर, सेकेंड स्टेप यहाँ पर है क्लीन क्लॉथ्स पहनने। आपने ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप रिपीट नहीं कर सकते सेम ड्रेस 2 दिन या 3 दिन ना, क्योंकि आपके कपड़ों से स्मेल आना शुरू हो जाएगी स्वेटिंग की। तो अगर आप खुद जितने मर्जी क्लीन है, आपके कपड़े साफ़ नहीं हैं तो आप अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा, जितना इंपॉर्टेंट आपके कपड़ों का क्लीन होना ना, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके साथ से एक अच्छी स्मेल का आना भी है। बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगाना पड़ेगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आइस फेशियल। समर में आइस फेशियल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, आपकी स्किन फ्रेश दिखे, आपकी स्किन जो है ना वो स्वेट प्रूफ लगे और आपकी स्किन अवेक लगे एटलीस्ट, तो आपको फेशियल करना पड़ेगा, आइस फेशियल। ठीक है ना, इसके लिए बहुत ही ईजी से सीन है कि आप एक ओपन बाउल में जो है ना थोड़ा सा पानी लें एंड देन आइस क्यूब उसमें डाल के उसको थोड़ा ठंडा कर लें और आपने एटलीस्ट 15 मिनट तक अपने फेस को डिप करना उस ठंडे यख पानी में। ठीक है, इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाएगी। आपकी स्किन के जितने भी टिश्यूज़, मसल्स, जो भी सो रहे होते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पफिनेस होती है आपकी स्किन पे, तो वो सारी की सारी कंट्रोल हो जाएगी। और इसके अलावा आपके स्वेट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आइस। तो मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव चेंज देखा अपनी स्किन में, और यहाँ पर आप भी जो है वो एक क्लियर ग्लो देख सकते हैं जो कि स्किन में आ चुका है। खैर, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने फोर्थ पार्ट पे, जो है बॉडी स्क्रब। बॉडी स्क्रब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्वेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट और स्वेटिंग और यू नो काफ़ी सारी चीज़ें आपके इस बॉडी पे, टैन स्पेशली, तो उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं रिमूव करेंगे तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। वैसे बॉडी स्क्रब जो है ना मार्केट भरा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं होममेड यूज़ करूँगी। आपने थोड़ा सा बेसन लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून जो है ना आपने शुगर ऐड करनी है, क्रश शुगर होनी चाहिए, ये देख लीजिएगा, और साथ में ना थोड़ी सी टर्मरिक यानी कि हल्दी भी ऐड करनी है आपने। उसको रोज़ वाटर से मिक्स करें, दूध से मिक्स करें, शहद से मिक्स करें या फिर सिंपल पानी से मिक्स करें, ये सारा आपके ऊपर, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। स्क्रब बनाकर आपने उसको अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई करना है अच्छे तरीके से, अपने बाजुओं पर, टांगों पर, यानी कि पूरी बॉडी पर। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर उसको अपनी बॉडी पे रब करते रहना है एंड देन वेट करना है कि हल्का सा ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद आपने थोड़ा सा पानी डाल के उसको मज़ीद अपनी पूरी बॉडी पे रब करना है, स्क्रब करना है एंड देन उसको वॉश कर लें ठंडे पानी से। आपकी स्किन एकदम से स्मूथ हो जाएगी, सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे, इवन इनग्रोन जो आपके हेयर्स होते हैं ना वो भी मतलब वो भी ग्रो हो जाएंगे या वो भी जो है ना स्किन से एकदम से निकल आएंगे। ठीक है, तो मतलब मज़े की चीज़ है। उसके बाद सेम पैक जो है ना मैं फेस पे अप्लाई करूँगी, लेकिन मैं शुगर नहीं डालूँगी, यानी कि टर्मरिक और बेसन और रोज़ वाटर, ये 3 चीज़ें डालकर जो है ना मैंने ये फेस पैक बनाया। इसको मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और इसको भी जो है ना मैंने पूरा ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि ये पूरा ड्राई होगा ना तो एकदम से स्किन जो है वो अकड़ जाएगी, और इससे होता पता क्या है कि बहुत मुश्किल होती है इसको उतारने में। तो कोशिश ये करिएगा कि इसको कम्प्लीटली ड्राई ना होने दें, बिल्कुल हल्का सा ड्राई हो जाइए, देन आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर लें, या फिर ठंडे पानी से ज़्यादा अच्छा तरीका ये है इसको वॉश करने का कि आप कोई भी टॉवल लेके उसको पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिप कर लें एंड देन उससे जो है ना इसको रिमूव करें, ताकि आपके फेस की स्क्रबिंग भी हो जाए।
अच्छा, टॉवल से क्लीन करने के बाद जो है ना, मैंने अपने फेस को वॉश भी कर लिया है एक दफ़ा, और इससे जो है ना स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और एक इंस्टेंट ग्लो आपकी स्किन पे आता है। आप ये सारे स्टेप करें ना करें, ये वाला फेस पैक तो ज़रूर करें। अभी हम मेकअप करेंगे। बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है आपने समर्स में कि मेकअप कम से कम हो, यानी कि फाउंडेशन तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। वो बहुत रफ़ लगने लग जाता है स्किन पे, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपकी स्किन से मेकअप उतरने लग जाता है, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगना शुरू हो जाती है। तो जितना फ्रेश रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। कोई भी क्रीम अप्लाई करें, मैं यहाँ पर हमानियों की WB by Hamani की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो ये नाइट क्रीम है, लेकिन ये दिन में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, ठीक है। तो इसको मैंने अप्लाई किया अपने फेस पे अच्छे तरीके से। आप कोई भी क्रीम जो भी आपको सूट करती है आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मैं अप्लाई करूँगी टिंट, ठीक है। आप ब्लश ऑन अप्लाई कर सकते हैं, आप लिपस्टिक अप्लाई कर लें, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं आपके फेस पे रहे, तो मुझे लगता है वो सेरेंडिपिटी बाय रूज का ये टिंट है, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, आप सबको पता ही है, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी, चीक्स पे अप्लाई करूँगी, और ये पूरा दिन स्टे करता है, ट्रस्ट मी, पूरा दिन स्टे करता है, ज़रा भी नहीं अपनी जगह से हिलता। और आपकी स्किन पे इतना नेचुरल ब्लश लगता है ना, कि लगता है कि आपकी स्किन नेचुरली इतने चीक्स जो है वो आपकी सॉरी चीक्स जो है ना वो नेचुरली इतने पिंक हैं, क्योंकि पूरा दिन कौन सा ब्लश टिकेगा, ठीक है, पर ये टिकता है। इसको अप्लाई करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे मेकअप में और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मैं डेली की बात कर रही हूँ, ठीक है, डेली रूटीन में, मतलब ये दो चीज़ें, एक क्रीम अप्लाई कर ली एंड देन टिंट अप्लाई कर लिया, पूरा दिन स्किन फ्रेश रहती है और ज़रा भी डल नहीं लगती और बहुत ज़्यादा ग्लोई लगती है। तो जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर नहीं भी आई तो इट्स ओके। आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शंस में भी और इंस्टाग्राम पे भी। इंशाल्लाह से दोबारा फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी, आई स्वेयर टू अल्लाह, बहुत जल्दी, ठीक है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, लेकिन मैं फिर हफ्ते हफ्ते गायब हो जाती हूँ, बट इस दफा नहीं होगी, प्रॉमिस, ठीक है। तो इंशाल्लाह से दोबारा फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।